अभी हम जा रहे हैं आपका दूनी विलेज पे, और जो नीचे आपको दिख रहा है ये पूरा है कपकोट का एरिया, और पूरी स्पीड चढ़ाई है। फर्स्ट और सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है। बाकी यार व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, एक नंबर व्यू आ रहा है। तो सही एक कैंपिंग लोकेशन मिल जाए बढ़िया सी, चार चांद लग जाएंगे यार। पर कहीं पे ना टेंट टेंट लगाने की जगह मिलेगी, प्लेन धार टाइप बना टॉप पे, हमने कैंपिंग करनी है वहां रात में। दो लोग हो आप? हाँ दो लोग। ये भाई जंगल है, तेरा भी है मेरा भी है। हाँ हाँ अच्छे अच्छे रहो जंगल ना, वो तो हम सभी जगह जाते हैं अच्छे से रहते हैं। अपनी सेफ्टी अपने हाँ, आप हाँ, वही मैं कह रहा हूँ वही जो भी है ना। हाँ यहाँ ऊपर कुछ देख लो, यहाँ कहीं आगे गाड़ी लगा के मैं यहीं भी रहता हूँ आगे। अच्छा ना वही कोई कोई अच्छी जगह है, सब अच्छी जगह है मेरे भाई। आ गया स्कूल से? कौन से स्कूल में पढ़ता है? जीपीएस राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट। अच्छा कौन सा क्लास में? सिक्स्थ। वेरी गुड। तो अभी हमको ये बच्चा मिला यहाँ पे जो कि स्कूल से आ रहा था, और इसने हमको एक लोकेशन बता रखी है, वो है यहाँ से ऊपर एक टॉप है करके, बहुत अच्छी लोकेशन है बता रहा है भाई मेरा छोटा वाला। तो इसी के रिकमेंडेशन से हम अब अपनी बाइक यहाँ पर पार्क करेंगे और यहाँ से ऊपर चलेंगे। तो चलिए थैंक यू, बाय बाय। कहाँ है घर? उधर। चल ठीक है, अच्छे जाना। हाँ हाँ भरोसा नहीं था यार मेरे को उस बच्चे पे कि वो इतनी अच्छी लोकेशन हमको आज के लिए बताएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो ये देखिए आज की लोकेशन कुछ ऐसी है, और सामने पे बिल्कुल ग्लेशियर दिख रहे अपने को, और इस साइड को कुछ ऐसा नज़ारा है। आज की कैंपिंग अपने इस लोकेशन में होने वाली है, और नीचे अपना है कपकोट। तो आज अपने साथ है तनुज जो कि कैमरे में आने में थोड़ा सा शर्माता है, तो वो कैमरे में नहीं आएगा। तो बढ़िया से टेंट लगाते हैं और आज की शानदार कैंपिंग यहाँ पर करेंगे यार। मज़ा आ गया सच में कैंपिंग लोकेशन देख के। तो अब मैं एक्साइटेड हूँ कल सुबह यहाँ से सनराइज देखने के लिए कि कैसा दिखेगा अपने को सनराइज। बाकी आई थिंक ये विलेज दोनी विलेज है, वो आज की कैंपिंग अपनी यहाँ हो रही है। ग्लेशियर के आगे जो अभी बादल थे वो धीरे धीरे करके हट रहे हैं, तो हल्का सा ग्लेशियर दिख रहा है अभी। बाकी अभी इतना उजाला लग रहा है, बट थोड़ी ही देर में एकदम अंधेरा हो जाएगा पूरा। और साथ ही मैंने अपना टेंट तो पिच कर दिया है,
और जो तनुष भाई थे वो 5 लीटर पानी लेके आए, आगे 100 मीटर पे एक दो घर हैं तो वहाँ से पानी लेके आए, और उनके साथ 2 बच्चे भी आ गए थे। तो हेलो गाइस, आज हमारे गांव पे विलेज कैंप पर आए हैं कैंपिंग करने। तो अभी हम लकड़ियाँ ढूंढने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये 2 भाई हमारे आज आए थे और इन्होंने हमारी हेल्प की यार, पानी वगैरह हम इन्हीं के घर से लाए। तो तुम्हारा नाम क्या है? लक्की। लक्की, और ये छोटा भाई है, इनका क्या नाम है? ओम। ओम, तो ये भी हम हेल्प कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ ढूंढते हैं और ताकि इससे हम रात को बॉनफायर कर सकते हैं। तो चलिए लकड़ी ढूंढ के आते हैं। कुछ लकड़ियाँ हमने इकट्ठी कर दी है जिससे थोड़ी बहुत बॉनफायर अपनी हो जाएगी आज की रात की। और बाहर अंधेरा हो चुका है और तनु भाई ने अंदर दोनों स्लीपिंग बैग खोल लिए और बढ़िया से बेड तैयार कर दिया है ताकि स्लीपिंग बैग थोड़ा गर्म रहे। और मैं कर लेता हूँ मैटिंग वगैरह। बाकी यार अभी आपने एक टाइमलैप्स देखा होगा स्नो माउंटेंस का, वो बहुत प्यारा दिख रहा था अपने एक डाई से यहाँ पे से। अब बनाते हैं बढ़िया से कॉफ़ी प्लस बन मक्खन। बन मक्खन बहुत टाइम से नहीं खाया है तो आज खाने जैसी लगी हुई है, तो बढ़िया बन मक्खन बनाएंगे। एक बन मक्खन अभी बनाएंगे और एक बन मक्खन सुबह बनाएंगे। बाकी ना आग थोड़ा ये कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और उसके बाद जलाते हैं आराम से, क्योंकि ऐसा है लकड़ी हमारे पास थोड़ा कम ही है तो थोड़ा लेट लेट में जलाएंगे। बढ़िया से बन मक्खन बना, बन तो मैंने अच्छे से टोस्ट कर लिए हैं। अभी बना लेते हैं कॉफ़ी, क्योंकि ना अभी से इसमें बटर के स्लाइस लगाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा और फिर ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा खाने में मज़ा नहीं आता है इसको। तो एक बार कॉफ़ी बना देते हैं, फिर डायरेक्ट उसी समय इसको काट के इसमें स्लाइस लगा देंगे बीच में। तो चलिए इसको मैंने गरम कर लिया, अब इसमें लगा देते हैं एक बटर स्लाइस। ये देखिए थोड़ा सा मोटी होगी ये बटर की स्लाइस, बट कोई नहीं। ये रेडी है। प्लास्टिक का जगह बढ़िया, आगे से बॉनफायर जला हुआ अपना और साथ में बन मक्खन और कॉफी इंजॉय करते हैं।
चलिए भाई बढ़िया से थोड़ा देर कॉफ़ी पी के इंस्टा पे लाइव आए, थोड़ी बातचीत की और आप करते हैं डिनर बनाने की तैयारी। बाकी बाहर पे बढ़िया से आग जल रही है और आसमान की बात करूँ तो चाँद आया हुआ है और साथ में पूरे स्टार्स आ रखे हैं। चलिए भाई मटर मैंने छील दिए, तो एक काम कर रहा हूँ मैं, जब तक मैं और सब्जी काटूँगा तब तक ये मटर को ना मैं वो कोयले पे रख देता हूँ ताकि ये हाफ बॉयल भी हो जाएंगे तो फिर वेज पुलाव में ये आसानी से पक जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। चलिए ये बढ़िया सबसे पहले थोड़ा सा प्याज टमाटर जो भी सब्जियां हैं उनको वॉश कर लेता हूँ। गोभी डालो नहीं डालो रे? डाल ले ऊपर ऊपर की लेयर, थोड़ा मीठा चॉप कर लेगा फिर। टेस्ट के लिए कोरिएंडर लिया दी, ठीक है कोरिएंडर था भी लिया रहा है। ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर में कहीं कुछ तरह से शादी हो सकती है। गोभी को भी थोड़ा सा बारीकी चॉप कर देता हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है गोभी वगैरह, ऐसे डाल लेते हैं। मटर भी बॉईल हो चुके हैं, हरी मिर्च टमाटर प्याज और आलू प्लस गोभी, ये भी बॉईल कर लेता तो अभी मेरे लिए इजी होता। तो चलिए कोई नहीं, अब वो चावल के साथ ही अच्छे से कुक कर लेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं बढ़िया से वेज बिरयानी और हल्की सी आग जली हुई है, अपने पास एक ही लकड़ी पड़ी है, अब वो थोड़ी देर में मैं जलाऊँगा। बाकी टाइम हो गया रात के 9 बज चुके हैं और अब अपना डिनर बन रहा है। गीला होने लग गया टाइम तो पाला पड़ने लग गया हल्का हल्का। चलिए ऑयल गर्म हो गया तो इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा। और साथ ही प्याज भी डाल देते हैं। जबकि हवा चल रही है बाहर भी और
पाला पड़ने लग गया है। टमाटर मैंने डाल लिए, साथ में नमक ऐड कर देता हूँ। सारे मसाले ऐड कर देता हूँ, हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया और अपना है सब्जी मसाला, और हल्का सा डाल देता इसमें बिरयानी मसाला, वेज बिरयानी मसाला। ऐड कर देते हैं इसमें सारी वेजिटेबल्स, आलू और गोभी। क्या ये कलर आ रहा हो, खुशबू तो पूछो ही मत, लाजवाब। लगभग अपने जो सब्जियां हैं वो हाफ डन हो चुकी हैं, तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ अब चावल। ये मैंने चावल इसमें निकाल लिए थे और इसको मैंने ढक्कन लगा दिया था, तो इस वजह से थोड़ा सा ये जल्दी पक गया। इसको भी और साथ में मटर भी ऐड कर देता हूँ। इसमें मैं ऐड कर दूँगा अब गर्म पानी और ये जल्दी पक जाएगा। तो गर्म पानी का कैटल मैंने यहाँ पे साइड में रखा हुआ है। बटर डाल देता हूँ, थोड़ा बाद में डाल दूँगा। ओके, लास्ट मेरी लकड़ियाँ बची हुई हैं वो मैंने लगा दी हैं। अपना वेज पुलाव बन के रेडी है, बस दम लग रहा थोड़ी देर, सलाद वगैरह खा लेते हैं फिर खाते हैं आराम से आग के साथ बैठ के। यार वाह मज़ा आ रहा है। ये खुले आसमान के नीचे और सामने भी जली हुई आग, और अपने जस्ट पीछे साइड ना साफ साफ अपने को स्नो पीक से नज़र आ रही है। तो चलिए खोलते हैं इसको, देखते हैं कैसा बना हुआ है। गजब, ये देखिए, पहले तो आप लुक देखिए इसके कैसा दिख रहा है, एक एक दाना अलग अलग है, बहुत शानदार। अभी पकते हुए मैंने इसमें बटर डाला था, अभी सीधे प्लेट में डालेंगे। आलू भी पक गए हैं अच्छे से, हल्का सा इसमें बटर डाल देंगे टेस्ट बढ़ाने के लिए। बस बन गया मतलब है? हाँ बन गया, आ जाओ खा लो। डाल दिया मैंने प्लेट में, ठंडा हो जाएगा। जब तक आग है तब तक आराम से डिनर कर लेंगे, और आग बंद हो जाएगी तो फिर अंदर चलेंगे। अच्छा कर दी, सॉरी। आजा आजा, यहीं पर तो अंदर ही खा रहे दे देता हूँ फिर मुझे। बाकी हाथ से खाएंगे यार, टेस्ट करते हैं क्या ये कलर आ रहा है। बेटा बीमार ना हो जाओ यार।
आलू दिखाता हूँ एक बार। हाँ आलू है और ये ऐसे पिज्जा है। तू टेस्ट करके बताया मेरे को एक बार बिरयानी। तेरे को कह रहा हूँ मेरी हालत इतनी खराब हुई तू टेस्ट बोल रहा है। मेरे को इतना ठंडा हो गया है कि यहाँ मुझे लग रहा सच में भाई सच में बहुत गजब का टेस्ट है, बहुत गजब का। अभी आप यहाँ पे होते तो मैं टेस्ट करा के आपको भी फील कराता, बट कोई नहीं आप देख के ही फील कर लो। ये हर एक दाना अलग है और आलू भी पका है, गोभी भी पके हैं, मटर तो पहले मैंने बॉईल कर लिए थे। अच्छा आगे से गर्मी लग रही है, पीछे से ठंडी हवा। ओके दोस्तों, बढ़िया से डिनर हो चुका अपना और बाहर आप 2 सेकंड रुकने की हिम्मत नहीं है ठंड के कारण। और अपनी जो ये बॉनफायर है वो जल रही है, बस ये लकड़ी है, देखते हैं 1-2 घंटे ये चली जाएंगे आई थिंक, ताकि आग वाग तो नहीं फैलेगी है आई होप। तो सारा सफाई वगैरह कर लिया मैंने, बर्तन सारे यहाँ पे रख लिए, तो करते हैं टेंट क्लोज और सोते हैं। क्योंकि देखो पूरा पीछे फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पे साफ साफ मेरे को स्नो पीछे दिख रही है, वो आपको नाइट फोटोज में दिख जाएंगी। इसको करते हैं बंद। बाहर अपनी बाहर जो है जली आग, ये हल्का इसको वेंटिलेशन के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं आपको कल सुबह एक बहुत बेहतरीन नज़ारे के साथ, क्योंकि थोड़ा जल्दी उठना है अगर सनराइज़ देखना है तो कोशिश करूँगा जल्दी उठने की और बढ़िया से सनराइज़ आपको दिखाएंगे। तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। वो अभी तो कर रहे थे स्टैंड मार रहे थे, वो ऐसा कर रहे थे उल्टा पुल्टे उल्टे पुल्टे कर रहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और प्यारा सा सनराइज भी हो गया है। अपने टेंट के आसपास पे बढ़िया से धूप आ चुकी है, तो आपने सनराइज भी देखा होगा। बाकी टाइम हो रहा है अभी 6:30 से 7 का टाइम हो रहा है और बढ़िया नींद आई रात में, ठंडा हुआ नहीं वैसे स्लीपिंग बैग के अंदर, बाहर ठंडा हो रहा था ज़रूर। और अपना ओम भाई ये सुबह सुबह आ गया था और अपने ने पानी को भी भर के लाया नीचे से घर से। और यहाँ पे कुछ पीक्स दिख रहे हैं, आई थिंक ये मैकटोली पीक है, आई थिंक मेरे को क्लियर नहीं है। और इस साइड को मेरे को हल्के हल्के पंचाचोली के पीक्स दिख रहे हैं यहाँ से, बाकी यहाँ से सनराइज हो रखा है। और अपनी जो आग थी वो रात में बुझ चुकी थी, लकड़ियाँ तो थे अपने पास तो ये खुद ही बुझ गई थी। और ये अपना कैंपिंग लोकेशन।
तू बनाएगा तो कॉफी नहीं आएगा नहीं आता है चाय बनाना भी नहीं आता चाय बनाना बनाना आता है स्कूल नहीं जा रहा मतलब बाहर ना पूजा में जा रहा है साथ ही ये दोनों भाई भी आ रखे हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं। कैसी हो रही है? बढ़िया हो रही है? बस बढ़िया, गुड, मस्त हुई है, मस्त हुई है ना। तो आगे का कुछ ऐसा नज़ारा है। चलिए भाई कॉफ़ी पीते हैं और फिर पैकिंग करके निकलेंगे यहाँ से घर के लिए। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको बहुत जल्दी एक और नई नाइट कैंपिंग वीडियो के साथ और एक बेहतरीन जगह पर। तो टिल डेट बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू दोस्तों। चलिए और ये हैं हमारे दो भाई, बाय बाय कह दो। बाय बाय बाय। और ये है छोटा पुत्र।